प्लास्टिक और फाइबर ठीक है तो उसको भी हम लोग देखेंगे हम लोग सर्च करते हैं प्लास्टिक कैसा दिखता है ये तो मटेरियल्स नॉर्मल मटेरियल आप ऐसे ही बना सकते हो यार ये तो काफी इतना हार्ड नहीं है मटेरियल इसको बनाना प्लास्टिक मटेरियल्स जैसे कि अगर आप इसको ही समझ सकते हो ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है ठीक है ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है राइट right? अगर आपको इसके अंदर ग्लॉसीनेस चाहिए तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को आपको बढ़ाना पड़ेगा रिफ्लेक्शन को मैंने कर दिया हंड्रेड परसेंट ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो तो अभी ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव जो थोड़े से प्लास्टिक थोड़े से रिफ्लेक्टिव होते हैं थोड़े चमकीले होते हैं थोड़ा सा, है, सा ग्लॉसीनेस मैं इसको ऐसे कर देता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हो तो ये भी हल्का हल्का इसमें भी नॉइस है ठीक है इसमें भी हल्का हल्का नॉइज है यहाँ पर बाकी आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर अगर इसके अंदर और भी नॉइजी क्रिएट करना है तो आपको अलग से या फिर टेक्सचर uh, में काम करना पड़ेगा टेक्सचर में काम मतलब यानी कि आपको थोड़ा सा बम्पी लुक देना है तो तो बम्प में जा सकते हैं यहाँ से बम्प में जाके अगर मैं यहां से ले लेता हूँ नॉइस ठीक है नॉइस ले सकते हो तो आपको कुछ इसको मैं बारीक कर देता हूँ बारीक यानी कि मैं इसको करता हूँ वन तो देख सकते हो तो किस तरह से दिख रहा है अभी काफ़ी बारीक सा नॉइज़ आ गया अगर इसको आपको ट्रांसफरेंट भी करना है तो हम लोग इसको रेफ्लेक्शन को यूज़ कर सकते हैं रेफ्लैक्शन रेफ्लैक्शन को इस तरह से ट्रांसफरेंट कर सकते हैं ठीक है अभी आपको ये इस तरह से नॉइजी भी आ गई है और साथ ही साथ में एक ट्रांसफेट लुक भी हल्का सा बन गया है इस तरह से काम कर सकते हो ठीक है तो आगे चलते हैं आपको आप वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हो इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद वंदे मातरम